हाय, आई एम आर्यन। आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। अब हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या वाले, और WH फैमिली इंटरोगेटिव सेंटेंस, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाले सेंटेंस। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसकी पहचान है क्या रहा है, क्या रहे हैं, और इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया कि आई के साथ एम लगता है, ही सी कोई एक नाम के साथ और इट के साथ इज लगता है, वी यू दे के साथ आर लगता है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, क्या मैं जा रहा हूँ। इंटरोगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है क्या मैं जा रहा हूँ। फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले इज एम आर आएगा। इसमें सेंटेंस में क्या है, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई आई के साथ क्या लगता है, एम। फॉर्मूला के अनुसार सबसे पहले एम लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मैं का आई हुआ, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब जाना का गो, और उसमें ING लगाना है, गोइंग हुआ। और यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, मेरा सेंटेंस बन गया क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग। और अगर नहीं वाला बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है सेंटेंस में, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ, एम आई नॉट, तीसरे नंबर पर नॉट लिखेंगे और गोइंग। एक और सेंटेंस लेते हैं, क्या वह खा रहा है। फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले इज एम आर लगाना है, यहाँ पर क्या है, वह, वह का इंग्लिश क्या होता है, ही के साथ क्या लगता है, इज। सबसे पहले फॉर्मूला के अनुसार इज लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वह का ही हुआ, इज ही। उसके बाद वर्ब लिखना है, खाना, खाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट, ईट लिख देंगे, उसमें ING लगा देंगे, इज ही ईटिंग। और यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, मेरा सेंटेंस बन गया क्या वह खा रहा है, इज ही ईटिंग। और अगर सेंटेंस हो क्या वह खा रही है, रही से किसी फीमेल यानी स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ही के जगह पर सी लगाएंगे, कुछ भी नहीं करना है, सेम सब कुछ रहेगा, ही के जगह पर सी लगेगा, इज सी ईटिंग। क्या वह खा रही है का सेंटेंस बना इज सी ईटिंग। अगला सेंटेंस है, क्या राम पढ़ रहा है। फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले इज एम आर लगाना है, इज एम आर में यहाँ क्या लगेगा, एक नाम है राम, राम के साथ इज लगता है, एक नाम के साथ सबसे पहले इज लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट नाम का नाम ही रहता है, राम लिख दिए। उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा, रीड, रीड में ING लगाएंगे, रीडिंग। और यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, मेरा सेंटेंस बन गया क्या राम पढ़ रहा है, इज राम रीडिंग। और अगर मेरा सेंटेंस हो क्या राम और श्याम पढ़ रहा है, तो यहाँ पर इज नहीं लगेगा, एक नाम के साथ इज लगता है और एक से ज़्यादा नाम के साथ आर लगता है, तो सबसे पहले आर लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखाएगा राम और श्याम, उसके बाद पढ़ना का रीडिंग, आर राम एंड श्याम रीडिंग, क्या राम और श्याम पढ़ रहा है, आर राम एंड श्याम रीडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम खेल रहे हो। फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले इज एम आर लगेगा, यहाँ पर क्या है सेंटेंस, तुम का इंग्लिश यू होता है, यू के साथ आर लगता है, सबसे पहले आर लगा दिए, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तुम का यू हुआ, उसके बाद क्या है वर्ब खेलना का प्ले हुआ, और उसमें ING लगा देंगे, प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो का सेंटेंस बना आर यू प्लेइंग। और अगर मेरा सेंटेंस है क्या तुम नहीं खेल रहे हो, तो कुछ भी नहीं करना है, तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है, आर यू नॉट प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेल रहे हो, आर यू नॉट प्लेइंग। अगला सेंटेंस है, क्या हम आ रहे हैं। फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले इज एम आर लगाना है, यहाँ पर क्या है, हम का इंग्लिश वी होता है और वी के साथ आर लगता है, तो सबसे पहले आर लिख दिए, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, हम का वी हुआ, उसके बाद क्या लिखना है, आना, आना का इंग्लिश कम होता है, उसमें ING लगाना है, कमिंग, आर वी कमिंग, क्या हम आ रहे हैं, आर वी कमिंग। और अगर मेरा सेंटेंस हो
क्या हम नहीं आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है, आर वी और तीसरे नंबर पर नॉट कमिंग, आर वी नॉट कमिंग। लास्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं, क्या वे दौड़ रहे हैं, फॉर्मूला देखेंगे, ई जे एम आर लगाना है। यहाँ पर सेंटेंस क्या है, वे का इंग्लिश दे होता है और दे के साथ आर लगता है, सबसे पहले आर लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या होगा, वे का दे होगा, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ना का इंग्लिश रन होगा और उसमें आई एन जी लगा देंगे, मेरा सेंटेंस बन गया, क्या वे दौड़ रहे हैं, आर दे रनिंग। और अगर नहीं वाला बनाना है, क्या वे नहीं दौड़ रहे हैं, तीसरे नंबर पर नॉट लगाना है, आर दे नॉट रनिंग, और कुछ भी नहीं करना है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अब हम सीखने जा रहे हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस, कब क्यों कहाँ, जिसमें प्रश्न आए, जैसे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तुम क्या खा रहे हो, वे कब जा रहे हैं, ऐसे ही सभी प्रश्न वाले सेंटेंस। तो अब हम बनाने जा रहे हैं डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस, इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली होगा, उसके बाद ई जे एम आर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब प्लस आई एन जी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और इसका पहचान है डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, जैसे कब क्यों कहाँ कैसे और रहा है, कब क्यों कहाँ कैसे रहा है। डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस बनाने के लिए कब क्यों कहाँ कैसे सेंटेंस के बीच में आना चाहिए। तो एक डब्ल्यू एच फैमिली वाला सेंटेंस बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे, सब फॉर्मूला में सबसे पहले क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होगा, उसके बाद ई जे एम आर होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब वन प्लस आई एन जी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या बाकी सेंटेंस होगा। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, मैं क्या खा रहा हूँ, फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लिखना है, यहाँ पर क्या है, क्या, क्या का इंग्लिश वाट होगा, सबसे पहले वाट लिख दिया, उसके बाद ई जे एम आर लगाना है, यहाँ पर क्या है, मे का इंग्लिश आई होता है और आई के साथ क्या लगता है, एम, सब उसके बाद एम लगा देंगे, वाट के बाद एम लगाएंगे, वाट के बाद एम लगाएं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट मे का आई हुआ, उसके बाद वर्ब लिखना है, खाना का इंग्लिश ईट होता है, ईट लिख दिया और उसमें आई एन जी लगाना है, ईटिंग, मेरा सेंटेंस बन गया, मैं क्या खा रहा हूँ, वाट एम आई ईटिंग, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्या मैं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग था, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली है तो आगे डब्ल्यू एच फैमिली लिख देंगे, मैं क्या खा रहा हूँ, वाट एम आई ईटिंग। क्या सेंटेंस के आगे हो तो वाट नहीं लिखते हैं, और क्या सेंटेंस के बीच में हो तो हम वहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली लिखते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। इस तरह आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, फॉर्मूला देखेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लिखना है, यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, कहाँ, कहाँ का इंग्लिश वेयर होता है, सबसे पहले वेयर लिख दिए, उसके बाद ई जे एम आर लगाना है, यहाँ पर सेंटेंस में क्या है, तुम का इंग्लिश यू होता है और यू के साथ क्या लगता है, आर, वेयर के बाद आर लगा दिए, उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट तुम का यू हुआ, वेयर आर यू, उसके बाद वर्ब लिखना है, जाना का इंग्लिश गो होता है, गो में आई एन जी लगा देंगे, गोइंग, मेरा सेंटेंस बन गया, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। एक और सेंटेंस लेते हैं, वह कब आ रहा है, फॉर्मूला देखेंगे कैसे बनाना है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली लिखना है, डब्ल्यू एच फैमिली कब का वैन हुआ, सबसे पहले वैन लिख दिए, उसके बाद इज एम आर लगाना है, या सेंटेंस में क्या है, वाह का इंग्लिश ही होता है और ही के साथ इज लगता है, इज लिख दिए, वैन के बाद इज लिखे, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट वाह का ही हुआ, उसके बाद वर्ब लिखना है, वर्ब क्या है, आना, आना इंग्लिश क्या हुआ, कम, कम में आई एन जी लगाएंगे, जितने रहा वाले सेंटेंस है उसमें वर्ब वन में आई एन जी लगता है, ये आप लोग को याद कर लेना है। तो मेरा सेंटेंस बन गया है, एन इज ही कमिंग, और मेरा सेंटेंस हो वह कब आ रही है तो यहाँ पर ही के जगह पर सी लगेगा, वैन इज सी कमिंग। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली निगेटिव बनाना हो, नहीं वाला बनाना हो, तो कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल सेंटेंस में तीसरे नंबर पर नॉट लगता है और डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस में चौथे नंबर पर नॉट लगता है। अगर मेरा सेंटेंस है, मैं कब आ रहा हूँ, वैन एम आई कमिंग, और नहीं वाला बनाना है, मैं कब नहीं आ रहा हूँ, तो चौथे नंबर पर नॉट लगाना है, वैन एम आई और चौथे नंबर पर नॉट
और कमिंग, वेन एम आई नॉट कमिंग, मेरा नहीं वाला सेंटेंस बन गया। आज दोस्तों हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोगों ने सीखा मैं जा रहा हूँ आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ आई एम नॉट गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ एम आई गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा हूँ एम आई नॉट गोइंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ वेयर एम आई गोइंग, मैं कहाँ नहीं जा रहा हूँ वेयर एम आई नॉट गोइंग। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय।